so let us factorize it so n square minus 25n minus 16n plus 400 will be equal to zero क्योंकि 25 और 16 मिलकर के 41 होते तो so, let's factorize it तो so, n minus 25 into n minus 16 equal to zero है ना यह आंसर आ जाएगा यानी n की वैल्यू आएगी 25 या फिर 16 अब सवाल उठता है इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है ठीक अब कौन सा आंसर सही है अब भाई दो आंसर आने का क्या कारण है दो आंसर आने का कारण है एक एपी है डिक्रीजिंग एपी है दिस इज अ डिक्रीजिंग एपी रीजन बीइंग जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू माइनस वन है यानी टर्म्स घटती चली जा रही हैं तो पहले ट्वेंटी नाइनटीन एटीन तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जहाँ तक भी आई फिर दोबारा ये बढ़ता जाएगा नेगेटिव आता जाएगा तो कहने का मेरा मतलब है दो आंसर आने का कारण है कहीं ना कहीं हो सकता है बीच में ज़ीरो आया हो और फिर इधर कुछ टर्म्स आई हो और इधर कुछ टर्म्स आई हो और ये टर्म और ये टर्म दोनों का एडिशन बराबर आया हो ये नेगेटिव टर्म्स हैं और ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है इनकी वैल्यू पॉजिटिव है और इन सब की वैल्यू नेगेटिव है और ये कहीं ना कहीं जीरो आ रहा है ठीक तो इन पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड होगा तो सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो एज अ रिजल्ट ये 25 इसका आंसर रिजेक्शन में चला जाएगा रीजन बीइंग कोई भी ऐसी रो नहीं होगी जिसके अंदर में नेगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स होंगे ये पॉइंट सो एज अ रिजल्ट विल टेक ओनली दिस वैल्यू एज एन आंसर ठीक तो यानी एन इक्वल टू सिक्सटीन आप क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया इन हाउ मेनी रोज आर देयर टू लॉग्स प्लेस सो नंबर ऑफ रोज एज वी शेड इनिशियली एन क्या है फोर सिक्सटीन रोज आर देयर एक बात और हमने यह बात भी करी थी क्या के मतलब टॉप रो में कितने लॉग्स अवेलेबल हैं यानी वो कैसे निकालोगे एन की वैल्यू सिक्सटीन है तो एन एट टर्म निकालने के लिए टी एन टी एन एस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वॉट इज द कॉमन डिफरेंस वैल्यू सो कॉमन डिफरेंस हमने अभी देखा था माइनस वन आया था यानी सिक्सटीन माइनस वन इज फिफ्टीन तो ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन इज फाइव सो टी एन इज फाइव इसका मतलब फाइव इज नंबर ऑफ लॉग्स प्रेजेंट इन दी कौन सी रो सबसे टॉप रो के अंदर में नंबर ऑफ लॉग्स प्रेजेंट इन दॉप रो लेट मी राइट इट डाउन लॉग्स इन दॉप रो राइट आई होप मेरी बात ये समझ में आई है सभी को आप सभी को कौन सी के 16 ही हमने सिलेक्शन में लिया 25 फाइव गेट्स रिजेक्टेड वॉयसो क्योंकि आप अपने आप सोच करके देखे कि आखिरी नंबर कौन है आप ऐसे समझे इस बात